ये लो मैडम, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है मेरी। ये पैसे रख लो, पूरे 50,000 रुपए। क्या बात है, 50,000 रुपए! शाम कितने सारे पैसे, इनसे तुम्हारी बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। हाँ बहन, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ हाँ, पैसे तो नहीं है। अरे तुम्हारे भाई कमाते ही कितना है, घर की तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती, ऊपर से तुम्हें भी पैसे चाहिए। वैसे तुम्हें चाहिए क्यों पैसे? वो भाभी, मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो मुझे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर तो नहीं दिए, तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से तैयारी कर लूंगी मैं, बस इसीलिए पैसे चाहिए थे। क्या जरूरत है तुम्हें क्वेश्चन पेपर खरीदने की? किताबें हैं ना तुम्हारे पास, उनसे पढ़ लो। दुनिया तो किताबों से पढ़ती है, तुम्हें अलग ही क्वेश्चन पेपर चाहिए। वैसे भी तुम्हारे भाई इतना नहीं कमाते कि तुम्हारे भी अलग से खर्चे उठाए। और एक बात बताओ, तुमको तुम्हारी शादी भी होनी है, उसमें भी कितना खर्चा होना है। क्या करोगी तुम इतना पढ़ के? तो तुम्हें वैसे भी पढ़ाई कर जाना है, वहां जाके ये घर के काम ही करने, कौन सा तुम्हें कलेक्टर बनना है? देखो अगर पढ़ना है तो चुपचाप किताबों से पढ़ लो, वरना कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है भाभी, किताबों से मैं झूठ क्यों बोला उसे? अभी मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, उसमें से अगर तुम 1-2 हज़ार रुपए से दे देती तो तुम्हारा कुछ चला जाता क्या? अरे वो ना जरूर झूठ बोल रही है, कोई क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं मांग रही, कोई फिजूल खर्चे के लिए पैसे मांग रही होगी। और यार हमें भी अपना भविष्य देखना है, कल को भविष्य में हमारे बच्चे होंगे, उनका भी खर्चा है, क्या इसी के ऊपर खर्चा करते रहेंगे क्या हम? पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुप करो तुम। क्या पढ़ रही बहन? वो भैया नोट्स तैयार कर रही हूँ। अच्छा सुन, तुझे पैसे चाहिए थे ना, ये 2,000 रुपए, इनसे अपने क्वेश्चन पर खरीद ले। अरे भैया, पर भाभी तो कह रही थी पैसे नहीं है, अगर उनको पता चलेगा आपने मुझे पैसे दिए तो वो कितना गुस्सा करेंगी। आप रहने दो भैया, आप रहो, मैं ऐसे ही तैयार कर लूंगी। पागल है क्या तू? ये पैसे तू रख, मुझे पता है तो पढ़ने में बहुत होशियार है और आगे चल के हमारा भी नाम रोशन करेगी। उसको छोड़ दो, उसकी चिंता तू मत कर, जाओ और क्वेश्चन पेपर अच्छे से खरीद के उसकी तैयारी कर, ठीक है? अरे वाह, ये पैसे तो काफी हैं, इन पैसे से तो मैं 4-5 क्वेश्चन पेपर खरीद लूंगी। इतने सारे पैसे ये कहां से आए तेरे पास? अच्छा अब समझी, मतलब मैंने और तेरे भैया ने तुझे पैसे नहीं दिए तो तूने घर में चोरी कर ली? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तू जिस घर में रहती उसी घर में चोरी करती है? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो और कैसा है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई घर में चोरी करते हुए? नहीं भाभी, मैंने घर में चोरी नहीं की है। अच्छा तूने चोरी नहीं की तो कहाँ से आए पैसे? नहीं भाभी, जैसा आप सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब तो पहले भी चोरी करती होगी, और पता नहीं कब से चोरी करती आ रही है। वो तो अच्छा है आज मैंने देख लिया, आने दे आज तेरे भाई को, तब वो तेरी खबर लेंगे, बताऊंगी उनको कि घर में चोरी कर रही थी ये। भाभी आप मेरे पे झूठा आरोप लगा रही हो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा तो चोरी नहीं की तो बता कहाँ से है तेरे पास ये पैसे? क्योंकि मैंने दिए इसको ये पैसे। तुमने दिए? पर क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इसको कोई पैसे नहीं देने। चुप करो तुम, और सुनिए मैंने तुम्हारी, मेरी बहन है वो, और जो मेरा है वो भी तो इसी का है। मैं कमा किस ले रहा हूँ? तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ तो उसके लिए भी तो कमा रहा हूँ। जितनी जिम्मेदारी मेरी तुम्हारे लिए है ना, शायद उससे ज्यादा इसके लिए भी है। अरे ये हमारी घर की बेटी है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी केयर करें, इसको किसी चीज की तकलीफ ना होने दें। ठीक है, तुम बेचारी को पढ़ने से रोक रही हो? अरे क्या दिक्कत है यार, अगर पढ़ रही है तो, अगर ये पढ़ लिख के आगे अपना नाम करेगी तो सिर्फ इसका नाम नहीं होगा बल्कि हमारा नाम भी होगा। लोग हमें भी कहेंगे कि आप सिल्की के भाई हो, सिल्की की भाभी हो। तुमने कभी इस नजर से नहीं सोचा? मेरी बात सुनो, इसको पढ़ाई के लिए किताब चाहिए और किताब के लिए इसको पैसे भी चाहिए, तो चुपचाप से वो पैसे इसको दो। और अगर तुम ये पैसे इसको नहीं दे सकती तो तुम अभी के अभी इस घर से निकल सकती हो। अरे ईशान, इतनी छोटी सी बात पे तुम मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हो? बहन ही इंपॉर्टेंस रखती है क्या तुम्हारी लाइफ में? मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखो प्रीति, वैल्यू है तभी समझा रहा हूँ मैं तुमको। अरे यार मेरी बहन है ये, तुम्हें अच्छे से पता है
कि माँ बाप के जाने के बाद इसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। अगर मैं, तुम, हम दोनों मिलकर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये तुमको सिर्फ भाभी नहीं मानती है बल्कि माँ भी मानती है, और तुम इसके साथ ऐसा सुलूक करोगे? तुम इसे ना अपनी ननद नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ के देखो, तो शायद तुम्हारी ममता जाग जाए। और अभी कभी इसे पैसे दो, और अगर नहीं दे सकती तो आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। नहीं रखना मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता। नहीं नहीं शान, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, बस अपने बारे में ही सोच रही थी। मैंने तो सिल्की के बारे में सोचा ही नहीं, इसका तो कोई है भी नहीं तुम्हारे सिवा। लेकिन मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं सिल्की का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये लो पैसे, तुम क्वेश्चन पेपर खरीद लो, और आगे भी कोई भी दिक्कत हो तो अपनी भाभी को बता देना। थैंक यू भाभी।